मरने के लिए पैदा हुआ है, जीने के लिए नहीं। मुसलमान ने बहुत जी लिया, मुसलमान कुर्बानियों के लिए पैदा होता है। मुसलमानों को हमेशा कुर्बानियों के लिए अल्लाह ने पैदा किया। और मुसलमान जंग में लड़ेंगे, मरेंगे, गज़वा हिंद करेंगे। हम गज़वा हिंद करेंगे, हम इसराइल के खिलाफ लड़ेंगे। हम अल्लाह हमें मौका दे, हम हर जगह पे तैयार हैं। क्यों नहीं बोल रहे? तू आ गया क्या? काफी है ये, कहीं अकेले खड़ा हो जाए ना इसके एटमी ताकत के साथ। आर यू कॉमेडी मी? जी, पाकिस्तानियों का आखिरी फैसला है जी, एटम बम चला दो। हालांकि ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि एटम बम के असरात आप सबको पता है कि 100 सालों तक रहते हैं, और इसके ऊपर प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हैं। कंट्री अपनी हिफाजत के लिए तो एटम बम रख सकती है, लेकिन चलाने के लिए नहीं रख सकती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर एजुकेशन की शदीद कमी है, इसलिए इनको एक लफ्ज आ गया है, एटम बम, और वो हर बात पे बस चला दो मजाक बना दिया इन्होंने अपने एटम बम का। सही पकड़े हैं। बात है, यहूदी अहले किताब में से हैं, मानते हैं? बिल्कुल मानता हूँ। मुसलमान अहले किताब में से हैं, मानते हैं? मानते हैं। चार दोनों की लड़ाई हो रही है, मानते हैं? मानते हैं। फलस्तीन और यहूदियों की लड़ाई जो है, आपको पता है वो मजहबी लड़ाई है? ऐसे जी ही है, बिल्कुल। वो किसी एरिया की लड़ाई तो नहीं है ना? एरिया की भी है, लेकिन वो मुफादात की भी है। मजहबी है ना, वो हैकल सुलमानी और वो मुफादात की लड़ाई है। वो असल में वो इसीलिए उनकी पहले भी एक दफा नहीं, कितनी दफा इनकी नस्ल कुशी की जा चुकी है, लेकिन वो 50 सालों से हो रहा है ये फलस्तीन की कर रहे हैं। लेकिन इनकी यहूदियों की भी बड़ी दफा हुई है, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। अच्छा। वजह क्या है कि अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया है। अच्छा। जिसमें दिजाल ने भी आना है, फितना। अच्छा। दिजाल ने भी आना है, ये उसके पैरोकार हैं, ये उसको जिंदा करने के चक्कर में उन्होंने बहुत से इकदाम कर लिए हुए हैं इसी चक्कर में, इसलिए वो फलस्तीन को खत्म करके मस्जिद अक्सा को शहीद करना चाहते हैं। और हम मुसलमानों के होने के नाते जहाँ तक हमारा फर्ज बनता है, हम ये नहीं होने देंगे। तो सवाल मेरा दोबारा से सुनते हैं कि अहले किताब आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन जहाँ पर हिंदुइज्म की बात है, हिंदुओं की किसी के साथ मजहबी लड़ाई क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? हिंदू करते ही मजहबी लड़ाई है। आज ही इंडिया में इलेक्शन आ रहे हैं, उन्होंने मदरसों पे पाबंदी लगा भी दी है। हाँ, ये मदरसे कहते हैं, मदरसे नहीं चाहिए हमें इंडिया में, तो हमें स्कूल चाहिए। वहाँ से ये मजहबी लड़ाई शुरू होती है। अच्छा, तो इंडिया में भी मजहबी लड़ाई शुरू क्यों नहीं है? क्योंकि कितना मुसलमान उन्होंने मारा है, आपको पता है? 1991 से लेके जब इन्होंने बाबरी मस्जिद शहीद की, तब से लेके अब तक कितना मुसलमान शहीद हो चुका है? आप ये बाबरी मस्जिद का तो मामला था, लेकिन उसके बाद शहादतें नहीं है ना। ये देखिए, अगर यहाँ पे हमारा मंदिर था, हमने ले लिया वापस, वहाँ पे मस्जिद ही शुरू से ये मंदिर था, कोर्ट ने कहा। वो हम हठ धर्मी है, वो उनका मुल्क है, वो जो मर्जी फैसला दें, हम नहीं मानते। हाँ। यहाँ पे मुगलों की हुकूमत थी, उससे पहले हिंदुओं की हुकूमत नहीं थी। नहीं तो मुगल हिंदुस्तान में आए थे ना, क्या बात कर रहे हैं? नहीं, मुगल यहीं से मुगल हिंदुस्तानी नहीं थे। कासम आया था जी, मोहम्मद बिन कासम आया था, मुगल यहीं पे 712 में आया था। हाँ जी, 712 में आया था मोहम्मद बिन कासम, तब पहले इस्लामी रियासत क्याम की थी उन्होंने सिंध के अंदर। ठीक है, उसके बाद जो मुगलों ने हुकूमतें बनाई या मस्जिदें उन्होंने बनाई, यहाँ पे कोई मंदिर था, और मुसलमान कभी भी कोर्ट क्या गलत फैसला सुनाया? कोर्ट है ही उनका, तो उनके उनके हक में फैसला देगा, मुसलमान के हक में फैसला वो कभी देते हैं? एक मस्जिद शहीद होगी, यहाँ पर कितने मंदिर, टॉयलेट और मार्केटों में बदल गए? पहले ये बताएं, आप इंडिया की तरफ से पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन सच बताते हैं, क्योंकि हम ये सब कुछ रद्द अमल में होता है, एक अमल होता है उसके बाद रद्द अमल होता है। पाकिस्तानी या मुसलमान जो करता है, क्योंकि हमारे नबी ने फरमाया पहल नहीं करनी, हमारे नबी ने फरमाया है कि अपने मुल्क में जहाँ मुसलमानों की अक्सरियत है, वहाँ पे दूसरे ममालिक को और दूसरे मजाहब को मुकम्मल अपनी मजहबी आज़ादी देनी चाहिए। हाँ। और हम उसके भी मानने वाले हैं अपने प्यारे नबी की बात। फिर हिंदुओं की आबादी यहाँ पर क्यों घटी, ज्यादा क्यों नहीं हुई? क्योंकि यहाँ पे वैसे ही माशी फुकदान है, हिंदू पहले भी कम थे, पाकिस्तान शुरू 12% थे, अब एक दो रह गए। नहीं, पाकिस्तान में शुरू से जो कौमियत है ना, ये अकलीती है, 3% ही है। आपने शायद तारीख नहीं पढ़ी। मैंने पढ़ी है, जब आजाद हुआ 12-13% हिंदू हमारे साथ शामिल थे। मैंने पढ़ी है, और हिंदू ज्यादा है भी सिंध में, यहाँ पे लेकिन कम हो रहे हैं ना, कम हो रहे हैं, अब हो रहे हैं ना, अब तो जो वहाँ पे कत्लों कर रहे हैं, हमारे स्ट्रीट क्राइम बढ़ रहे हैं, राजधानी डाकाधनी कत्ल, डकैतियां, सना, क्या नहीं हो रहा वहाँ पे? हाँ। वो तो हमारी हुकूमतें ना काम, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। हाँ, मतलब सिक्योरिटी रीजंस की वजह से काम हो रहा है, टीम की वजह से, और ये सियासी इंतजार की वजह से, सब कुछ उसी वजह से हो रहा है। हाँ। हमारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह किसी चीज़ की कमी नहीं है। हाँ। कमी है तो एक अच्छी क़यादत की। आप दोबारा से टॉपिक पे आते हैं, अब अगर इसराइल ईरान पे हमला कर देता है तो खित्ते के अमन को बहुत खतरा है, अमरीका भी इस बात पे बहुत ज्यादा संजीदा हो चुका है। अल्लाह खैर करेगा, क्योंकि मुसलमानों के साथ हमेशा अल्लाह की ताकत रही है। और हम वही बात कर रहे हैं कि मुसलमान मरने के लिए पैदा हुआ है, जीने के लिए नहीं। मुसलमान ने बहुत जी लिया, मुसलमान कुर्बानियों के लिए पैदा होता है। मुसलमानों को हमेशा कुर्बानियों के लिए अल्लाह ने पैदा किया। और मुसलमान जंग में लड़ेंगे, मरेंगे, गज़वा हिंद करेंगे। हम गज़वा हिंद करेंगे, हम इसराइल के खिलाफ लड़ेंगे। हम अल्लाह हमें मौका दे, हम हर जगह पे तैयार हैं। स्टेट क्यों नहीं बोल रही? प्यारे स्टेट क्यों नहीं बोल रही? स्टेट ने कर्जा, स्टेट क्यों नहीं बोल रही? आप बोल रहे हो, स्टेट ने कर्जा देना है अमेरिका का। मैं बोल रहा हूँ, अल्लाह ही बोल रहा हूँ, जब तक अमेरिका की गुलामी से निकलेंगे स्टेट नहीं बोलेगी। अबू जी का ऑर्डर नहीं आ रहा, आपके जज्बों का क्या करेंगे? जज्बा जब एक बंदा खड़ा होगा पीछे लाइन लगे, कहते हैं जज्बों का क्या करें, एक बंदा निकलेगा पीछे लाइनें लगेंगी इंशाल्लाह। कैसा लगा मेरा मजाक?